गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैन से प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज 6th अक्टूबर 2023 फ्राइडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष परवा आज टू इंपोर्टेंट डेटा वन रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट अनदर रिलेटेड टू द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट आज सुबह 10 बजे आरबीआई पॉलिसी है हालांकि मार्केट एक्सपेक्टेशंस दैट मींस इट्स सपोज बट इवन देन हमें केयरफुली मॉनिटर करना है एंड अदर वन इज योर एनपीए डेटा जिसके ऊपर डिपेंड करेगा डॉलर फर्दर स्ट्रेंथ कंटिन्यू करेगा या थोड़ा सा पॉज लेने वाले हैं फ्रॉम द करेंट अप ट्रेंड उसके लिए आइए चार्ट में आते हैं डॉलर इंडेक्स अभी जो है आपका 106.41 पिछले दो दिन में हल्का सा रिट्रेसमेंट हुआ फ्रॉम द दे ट्रॉप दैट मींस 107.24 लेवल से 106.42 एंड एनएपी डेटा विल डिसाइड फर्दर क्या होने वाला है या नहीं सो uh, so, जब तक यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे एस पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जब तक प्राइस कैंडल इसके ट्रेंड लाइन के लो नीचे क्लोज नहीं दे देता है एंड नॉट मेकिंग लोअर हाई लोअर लो तब तक डॉलर मीन्स आइदर साइडवेज टू अप ट्रेंड में ही रहने वाले हैं टेक्निकली so, हमें इंतजार करना है अगर डॉलर बियरिश हमें कुछ मोमेंटम देखना है तो अभी तक उस टाइम नहीं आया है डॉलर रूप अभी है टू वन कंसोलिडेशन जारी है अभी आपका अरबी पॉलिसी में कुछ सरप्राइजेस अगर आते हैं तब जाके एक कुछ मींस एक्सपेक्टेशंस uh, हो सकता है अदरवाइज साइडवेज कॉन्सोलीस होने देते हैं जब तक इनविजिबल हैंड्स आर स्ट्रांगली प्रेजेंट एट 83.20 से 83.40 जोन पे जीबीपी डॉलर में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया है पिछले दो दिन में बैक टू बैक अभी एक पॉज दे रहा है बेसिकली आपका एन डेटा के ऊपर सो जब तक आपका छे नहीं बचता है सिक्स पी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जब हमारा एनएपी डेटा आने वाले हैं उसके बाद ही मेक मेक और और ब्रेक ब्रेक वाला चीज़ है है के लिए क्या है? ये जो आपका का कैंडल है उसके हाई के ऊपर जब तक क्लोज नहीं दे देता है फर्स्ट कंफर्मेशन फॉर द रिवर्सल विल नॉट बी देयर सो ये जो ट्रेंड लाइन है एक छोटा सा रेड कलर का ये वेरी क्रूशियल है प्राइस इसके ऊपर क्लोज देगा तभी जाके लॉन्ग बिल्डअप में कुछ पैसा कुछ पोजीशंस बना सकते हैं सिमिलरली जीबीपी आईएनआर आपका जब तक ये 29 सितंबर का ये है 29 सितंबर का कैंडल जब तक इसके ऊपर क्लोज स्ट्रांग क्लोज नहीं दे देता है सो फर्स्ट कन्फर्मेशंस नहीं आने वाले हैं आल्सो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये पर्पल कलर का ट्रेंड लाइन है इसकी ऊपर क्लोज नहीं दे देता है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा यूरो डॉलर सिमिलर

मजेदार सेल ऑफ नहीं हो रहा है आई विल शो यू हर टाइप ऑफ सेल ऑफ यहाँ पे देखिए क्या मस्त एक सेल ऑफ था उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे देखिए क्या मस्त सेल ऑफ था मीन्स वैसा अभी तक देख नहीं रहा है बाजार इंतजार कर रहा है बीओजे खुल के इंटरव्यून करने

ट्विजर टॉप फॉर्मेशन आया है ये ट्विजर टॉप जब तक इसके इस टॉप ट्विजर टॉप के हाई के ऊपर से कंटिन्यू नहीं करता है तब तक इधर साइडवेज या थोड़ा सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑसी डॉलर पे ये आपका फॉल्स ब्रेकआउट है दैट बीइंग द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज बहुत ही शार्प ये ऊपर की तरफ

4.83 एंड ब्रेंट क्रूड जो कैश वाला है वो 83.83 .83 है सो व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट में यहां पे एक आपका ये एक आपका सपोर्ट जोन बन चुका है मींस फर्दर सेल ऑफ के लिए इस सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज देना पड़ेगा एंड वीकली टाइम फ्रेम में एक नजर डाल देते हैं वीकली टाइम फ्रेम में मींस ये तो अच्छा खासा एक सेल ऑफ आया है जब तक इस टाइप का यू टर्न नहीं लेता है तो अभी जो हमारे एक्सपेक्टेशंस था हंड्रेड एंड सेवन उधर नहीं जाने वाले हैं तो हमें प्राइस को अभी अगर सॉफ्ट हो रहा है तो सॉफ्ट होने देते हैं मीन्स uh, जब यू टर्न मारेगा तो फिर हम सोचेंगे यू एस टेन ए ट्रेजरी फोर पॉइंट सेवन टू कल बैक टू बैक दो दिन हल्का सा नेगेटिव था लेकिन वो मीन्स रिवर्सल वाला इंडिकेशन अभी तक है नहीं यू एस टू ए ट्रेजरी आपका 5.029 यहां पर भी दो दिन बैक टू बैक अच्छा ऑफ आया है यहां पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नजदीक आया है एन डाटा के बाद ऊपर जाएगा या इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आएगा उसके ऊपर मार्केट इंतजार कर रहे हैं ये ईयर ट्रेजरी में भी आपका यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है काफी शार्प ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जब तक इसके लो के नीचे क्लोज नहीं दे देता है एंड कंटिन्यू नहीं करता है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही या थोड़ा सा होना चालू करेगा, उस डेटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली पी डॉलर यूरोजार कर रहा है एक टिपिकल लेवल्स कौन सा लेवल जीबीपी डॉलर पे सेकेंड अक्टूबर का देता है